हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी की देखिए, आप सभी को पता है एमपीएड का जो रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और उसमें 50 क्वेश्चन तक सोल्व कर सकते हैं, कर रखे हैं मैंने। और बाकी के आज 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, फटाफट से इनको देखेंगे। और एक और बात, जिन्होंने भी अभी तक और भी जिनको क्वेरीज हैं थोड़ी, वो मुझे आके ये फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं कुछ भी, अगर उनको कोई भी क्वेरी है तो। और इंस्टाग्राम पे भी वो लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं 51 से लेके 75 तक, जिनको हम डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉलम ए में आपके डेफ जितने भी ऑथर्स हैं उनके नाम दिए हैं, और ऑप्शन नंबर कॉलम बी में आपका दे रखा है डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, ये आप मैच कर लेना फटाफट से, देख के पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को, लंबे क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कैन ईजिली बी मॉडिफाइड एंड शेप्ड थ्रू द यूज ऑफ। तो राइट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इसी के द्वारा मतलब इजीली किसी के भी बच्चे को हम शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, द पीरियड ऑफ मिडल एंड द लेट चाइल्डहुड इन्वॉल्व्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्लो एंड कंसिस्टेंस ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 55, विच थ्योरिस्ट सेड्स दैट द इमोशनल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द कैनन ब्राड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच पर्सनैलिटी थ्योरी इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइपोलॉजी अप्रोच। तो देखिए, टाइपोलॉजी अप्रोच में मतलब कौन सी थ्योरी नहीं डिस्क्राइब करी है, तो आप इसको अगर देखेंगे, हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले हमारी टाइपोलॉजी वाली दे रखी थी, उसके बाद हमारी क्रैचमर्क ने, फिर सेल्डर ने, ये तीनों की टाइपोलॉजी बेस्ड ऑलरेडी पर्सनैलिटी थ्योरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑलपोर्ट की, तो इनकी कोई थ्योरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री एंगल इन रेडियन, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 58, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी 2R करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ए मसल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम टेंशन व्हेन द लेंथ ऑफ मसल इज, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 120% ऑफ नॉर्मल लेंथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड अलाइनमेंट ऑफ वेट बियरिंग सेगमेंट रिजल्ट, सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रोटेटरी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स डिक्रीज। ओके, सो गुरुत्वाकर्षण बल का जो घूर्णी प्रभाव कम हो जाता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, बॉडीज लॉ ये किससे रिलेट है, तो ये है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय मसल डेवलपिंग टेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 62, इन विच एक्सिस एंड प्लेन एलिवेशन एंड डिप्रेशन जॉइंट एक्शन ऑकर्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रंटल प्लेन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, तो मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब सामने से और फ्रंटल प्लेन मतलब साइड से। ठीक है, प्लेन और एक्सिस के बारे में और तगड़ी वीडियो एक बना देंगे अच्छी वाली, जिससे कि आपके प्लेन और एक्सिस के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसमें मैच करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे हम लोग जब हमने मास्टर्स का एग्ज़ाम दिया था, कि हमने सारी मसल्स पढ़ी, फिर देखो उन्होंने मसल्स कौन सी पूछ ली। तो इन्होंने देखिए इसका वैसे सबको पता चल गया था कि सामने सामने ही आंसर है, क्योंकि देखिए एक्सटेंशन आ गया है यहाँ पे, तो एक्सटेंशन और यहाँ पे भी एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एबडक्टर आ गया और यहाँ पे एबडक्शन है, यहाँ पे एडक्टर आ गया और यहाँ पे एडक्शन है। तो इतना पता चल ही रहा था, इन तीनों का पता चलते ही फिर ये डायरेक्टली पता चल रहा था कि ए का ए है, बी का बी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इसमें देखिए ये इसका भी बिल्कुल सामने सामने है आंसर। सबसे पहले देखिए फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमेशा कौन से प्लेन में करते हैं, ये सजाइटल प्लेन में करते हैं, ये प्लेन्स दे रखे हैं। ठीक है, ये सजाइटल प्लेन में करते हैं, कहीं भी अगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आ गया सजाइटल प्लेन। फ्रंटल मतलब जो साइड से जाता है, मतलब शोल्डर से, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर की तरफ पार होगी कोई भी इमेजिनरी लाइन, तो वो आपका साइड वाला ये। और ये प्रोनेशन सुपिनेशन एग्जांपल किसका है, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन का, क्योंकि रोटेटरी आ गई ना मूवमेंट, रोटेटरी जहाँ भी मूवमेंट आ गई उस ट्रांसवर्स प्लेन में होगी। दूसरा कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ बायएक्सियल जॉइंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये, तो इसका टोटल मिला के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, देखिए बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला। डी एलमर्ट्स प्रिंसिपल इंडिकेट्स, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द इनिशियल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 66 आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, द कार्टिलेज विच सर्व द कुशन द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्सेस ऑन बोन एंड्स, मतलब बोन की जो एंड पे होता है वो कुशन की तरह यूज होता है, वो कौन सा कार्टिलेज होता है, तो वो होता है हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, आपने सुना भी होगा हाईलाइन कार्टिलेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ साथ ले लेते हैं, विच टाइप ऑफ जॉइंट वर बोन्स हेल्ड टूगेदर बाय कार्टिलेज एंड नो साइनोवियल फ्लूड। तो देखिए नो साइनोवियल फ्लूड मतलब इसमें साइनोवियल फ्लूड नहीं होता है, और तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एम्पियर थोरोसिस। देखिए आपको पता है मेनली हमारे तीन तरीके के जॉइंट होते हैं बॉडी में, एक होता है आपका फ्रीली मूवेबल जिनको हम साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं और जिनको डायथ्रोसिस भी बोलते हैं, एक होता है आपका स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को क्या बोलते हैं हम, कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोलते हैं और आपको उन्हीं को एम्पियाथ्रोसिस भी बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका फिक्स जॉइंट, जिनको फिक्स जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, देखिए ये फिक्स जॉइंट को आप बोलते हैं आपके नॉन मूवेबल जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट, और इसी को हम बोलते हैं साइनर्थ्रोसिस। ठीक है, साइनर्थ्रोसिस जो फर्स्ट में लिख रखा है ना, ये साइनर्थ्रोसिस, तो आप इसको ये जो साइंटिफिक नेम है ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, If you apply a force through center of gravity, the ball will move in. देखिए आप सपोज करिए ये बॉल है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, अगर आप इस पर फोर्स मारेंगे जोर से, ठीक है, आप इसमें पुश करेंगे तो ये बॉल कहाँ जाएगी,
ठीक है, तो ये स्ट्रेट ही जाएगी ना, अगर आप बीचों बीच मारेंगे बिल्कुल तो स्ट्रेट ही जाएगी, तो सीधी रेखा में, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में जाएगी ये बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर विच रिप्रेजेंट स्कैटर ऑफ स्कोर अराउंड मीडियन इज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट ऑफ वॉलीबॉल। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सी बुकों में मिल जाएगा, इसका राइट आंसर है मिलर वॉलीबॉल टेस्ट। ये एक्चुअली में बैडमिंटन का टेस्ट है जिसको मिलर वॉली टेस्ट बोलते हैं, तो वॉली देख के आपको ये वॉली नहीं समझना है कि वॉलीबॉल का टेस्ट है, ये बैडमिंटन का टेस्ट है एक्चुअली, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और बाकी जितने भी ये टेस्ट हैं ये सब वॉलीबॉल के टेस्ट हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द बेस्ट मेजर बाय कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का जो बेस्ट मेजर है वो क्या है, थ्रोइंग एंड कैचिंग ऑफ बॉल। देखिए आपने कोई बॉल उसको ऊपर से थ्रो करा, ये मतलब उसको फटाफट से कैच करना है, तो मतलब आई हैंड कोऑर्डिनेशन ये सब चेक हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन चेक हो रहा है इससे, तो ये है। देखिए डीप स्क्वेट इससे कोई लेना देना नहीं है, शटल रन ये आपका एजिलिटी के लिए होता है, और ये 6 मिनट रन ये आपका, 6 मिनट अगर देखेंगे तो ये एंड्योरेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका ये थ्रोइंग और कैचिंग ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन से रिलेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ऑल स्किन फॉल्स मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम। तो देखिए ये हमेशा राइट साइड में लिया जाता है, जो आप जैसे कि आपकी बॉडी है आप उसमें स्किन फोल्ड टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसमें हमेशा आपके राइट साइड में लिया जाएगा, आपके बाइसेप्स का भी मेनली, आपके जो बाइसेप्स है और आपका स्कैपुला का, उसके बाद आपके एब्डोमेन का फैट, थाई का फैट, ठीक है, राइट साइड में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द स्टेयर लाइक प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेजरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द ओनली लेवल टू हैव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है कि टारगेट लेंथ ऑफ फ्राइडल फील्ड हॉकी टेस्ट, मतलब कि जो फ्राइडल फील्ड हॉकी टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, उसका टारगेट लेंथ कितना कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब कि 2 यार्ड्स का होता है उसका, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी 75 तक क्वेश्चन देखिए फटाफट से हमने कर लिए हैं, और बाकी के 3 पार्ट भी आप कंप्लीट करके जाना अगर आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए। अब आगे के क्वेश्चन टेस्ट एंड मेजरमेंट और इन सब से आएंगे, और डीपली पढ़ के जाएं जितना हो सके, बुक मैं सजेस्ट कर दूंगा। वैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं बुक कौन सी, देखिए फिलहाल तो आप एमएल कमलेश पे ज़्यादा फोकस करें, एमएल कमलेश की एक आती है, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो लोग श्याम नारायण की बुक ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है उनकी भी, डीपली दे रखा है उसमें भी, तो ये 2 बुक मैं सजेस्ट कर दूंगा तुमको, ये इससे पढ़ना अच्छे से, और बाकी बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो फटाफट से हम डाल देंगे। अंटिल वी मीट, सी यू एंड स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय।